और देश भर में एनआरसी लागू करने के गृह मंत्री के बयान पर हंगामा मच रहा है। बुधवार को तृणमूल कांग्रेस ने इस पर संसद में हंगामा किया। टीएमसी ने कहा है कि वो इसका विरोध करती रहेगी। एनआरसी की प्रक्रिया देश भर में होगी, उस वक्त आसाम के अंदर भी ये एनआरसी की प्रक्रिया स्वाभाविक रूप से फिर से की जाएगी। राज्यसभा में बुधवार को गृह मंत्री अमित शाह के इस बयान के बाद हंगामा हो गया। बीजेपी नेता हेमंत बिस्व शर्मा का बयान आया कि वहां की एनआरसी ना मानी जाए, तो दूसरी तरफ टीएमसी ने संसद में विरोध के लिए कमर कस ली है। राज्यसभा में इस पर खूब हंगामा हुआ। असम में जो एनआरसी हुआ उससे बहुत लोगों का कष्ट। मैंने अमित शाह का बयान सुना, कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने ट्वीट कर कहा, बीजेपी असम के 3 करोड़ लोगों के लिए ऐसा एनआरसी नहीं बना पाई जिसमें गलतियां ना हो, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह 130 करोड़ लोगों के लिए राष्ट्रीय एनआरसी चाहते हैं। स्पष्ट है विकास और रोजगार कभी बीजेपी का एजेंडा नहीं थे। असम में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एनआरसी तैयार हुआ। इस काम में 5 साल लग गए। 19 लाख लोग रजिस्टर से बाहर हो गए और खर्चा आया करीब 1220 करोड़। देश भर में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो उनके लिए एनआरसी तैयार करने में कितना पैसा और वक्त लगेगा अंदाजा लगाया जा सकता है। ये तब है जब विदेशियों की पहचान और निष्कासन के लिए फॉरेनर्स एक्ट मौजूद है। जानकारों का आरोप है कि असल में एनआरसी और सिटीजन अमेंडमेंट बिल दोनों ही कानून सिर्फ मुस्लिमों को निशाना बना रहे हैं। असम में एनआरसी लागू करने में कई साल लग गए, लेकिन तो भी ना तो वहां सरकार खुश है और ना ही लोग। ऐसे में जब पूरे देश में एनआरसी लागू करने की बात आती है तो कई सवाल उठते हैं। क्या राज्य सरकारों से पूछा गया है? क्या लोग इसे मानेंगे? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या ये सिर्फ चुनावी स्टंट है? दिल्ली से कैमरा सहयोगी शशिकांत के साथ कादम्बिनी शर्मा, NDTV इंडिया।